ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मुरली 14 दिसंबर 1978 विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा अपने सिखील दे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सदा अपने सिखील दे लाडले बच्चों को स्नेह की नज़र से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रत्न समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाए, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वामान में सदा स्थित रहते हो। जिस नज़र से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। आज बाप और दादा दोनों ही रूह रिहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा, यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति का व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते, अर्थात अपने से ना उम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही ख़त्म कर देते और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं।
जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही ख़त्म कर देते और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, यह भूल जाते हैं। तो आज यह रू रुहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानुवाच ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व ना नहीं कहें, गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभालें व सेवा में लगें, आखिर भी क्या होना है। बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं ही स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गृहस्थी हो। जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, आप व बाप? जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा यह बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले लीं फिर आप क्यों चिंता करते? विनाश हो ना हो व कब होगा यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि यह अति इंद्रिय सुख की जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाचु है उनमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा?
इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हूँ? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे, फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान, भाग्यवान दिन भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे, इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है, यही रू रूहान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाए। दिल शिकस्त के बजाए दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं की स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते? इसलिए स्वाहा का भोग लगाकर जाना, समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा? कौन सा भोग लगाना है? अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि। हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प वह बच्चे के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान। बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।